नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बीएसएफ के नए रिक्रूटमेंट के बारे में बताने वाला हूं। और दोस्तों, इससे पहले बीएसएफ की जो ये जो वैकेंसी है उसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुकी थी, लेकिन अभी इसकी कंप्लीट डिटेल्स आ चुकी है। तो इसी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, उससे पहले आप में से बहुत सारे लोग सीजीएल टीयर 2 की परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट विशेज। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। तो चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों, ये बीएसएफ स्टेनो जो एएसआई की पोस्ट है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इससे ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। और दोस्तों, अगर हम पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की 11 पोस्ट है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 312 पोस्ट है। दोस्तों, इसमें जो पोस्ट है सिर्फ एसटी कैटेगरी वालों के लिए पोस्ट है, तो जनरल और भी जो कैटेगरी है उनके लिए नहीं है, सिर्फ एसटी कैंडिडेट के लिए ही है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, जो क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, तो दोस्तों इसमें इंटर पास चाहिए, यानी कि यार 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल यूनिवर्सिटी जो भी हो। दोस्तों, एज की बात करें तो एज 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, ये इसकी लिमिट है। और कब इसकी जो क्रूशियल डेट रहेगी एज के दोस्तों, वो 6/9/2022 यानी कि 6 सितंबर 2022 की इसकी क्रूशियल डेट है, यानी एज लिमिट उसी से काउंट की जाएगी। स्किल टेस्ट दोस्तों, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो में शॉर्ट हैंड आपको देना होगा, 80 वर्ड पर मिनट ये करना होगा, इंग्लिश या हिंदी में आपको शॉर्ट हैंड लिखना होगा। और दोस्तों, इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन का जो समय मिलेगा इंग्लिश के लिए 50 मिनट मिलेगा और हिंदी के लिए 65 मिनट मिलेगा, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, जो शॉर्ट हैंड होगी वो 10 मिनट तक ही होगी। अगर हम शॉर्ट हैंड में देखें तो ट्रांसक्रिप्शन जो आप करेंगे इसमें जो गलती है वो 10% ही माफ़ होगी, उससे ज़्यादा आप गलत करेंगे तो फेल्ड माना जाएगा, यानी पास नहीं माना जाएगा। उसी तरह से दोस्तों, हेड कांस्टेबल की बात करें तो इसमें जो टाइपिंग टेस्ट होनी है 35 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में और 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी में होनी है। और ये जो टाइम मिलेगा दोस्तों टाइप करने के लिए, वो सिर्फ 10 मिनट का समय मिलेगा। और दोस्तों, इसमें भी 10% गलती माफ़ की जाएगी। अगर उससे आप ज़्यादा गलत करते हैं तो एक गलती के लिए 10 बट जो है आपको सही से डिडक्ट कर लिए जाएंगे, मतलब सही में से 10 शब्द कम कर दिए जाएंगे अगर आप 10% से ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। दोस्तों, अगर हाइट की बात करें इसमें, चूँकि ये बीएसएफ की रिक्रूटमेंट है तो फिजिकल मेजरमेंट भी होता ही है, तो मेल में देखें जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए दोस्तों 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल में बात करें तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर कैटेगरी में देखें तो एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों उनके लिए है 162.5 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए जो है 150 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, ये हाइट मेजरमेंट की हो गई। चेस्ट की बात करें तो जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 77 सेंटीमीटर आपको बिना फुलाए होना चाहिए, और जब फुलाइएगा तो कितना हो जाएगा, 82 सेंटीमीटर तक आपको एक्सपेंड करना है, फुला देना है। उसी तरह से एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर आपको फुला करके होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों, हम पे स्केल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्टेनो के लिए जो है दोस्तों लेवल 5 जो है वो 7th पे कमीशन के अनुसार होगी। और इसमें जो जो स्केल है 29,200 से 92,300 इसकी स्केल है। और अगर हेड कांस्टेबल की हम बात करें तो लेवल 4 का है तो 25,500 से 81,100 की इसकी सैलरी बनेगी दोस्तों, तो अच्छी सैलरी है। और भी अलाउंसेस सब मिलते हैं तो अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। उसके बाद देखें यहाँ पर दोस्तों, इसका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है तो दो फेज में होगा। पहला तो पहले फेज में रिटन एग्जामिनेशन होगा जो 100 अंकों का होगा। इसमें 5 तरह के पेपर आएंगे, जिसमें होगा मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीएस तो होगा ही, क्लरिकल एप्टीट्यूड से भी सवाल पूछा जाएगा, तो इन सब के बारे में और भी मैं बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों, दूसरा जो होगा वो फिजिकल मेजरमेंट का होगा। उसके बाद शॉर्ट हैंड लिया जाएगा, जो शॉर्ट हैंड के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद टाइपिंग जो हेड कांस्टेबल के लिए है, और लास्ट में मेडिकल की एग्जामिनेशन होगी। तो ये पूरा प्रोसेस है
BSF में इसमें रिक्रूटमेंट में मतलब अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों इसकी जो वेबसाइट है उस पे आप जा करके नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें एग्जामिनेशन है और क्या क्या पूछा जाएगा उसमें जो भी। ठीक है, तो दोस्तों फेज़ वन में जो रिटर्न एग्जामिनेशन होना है उसका सिलेबस क्या है तो ये देखते हैं। सबसे पहले पार्ट वन में इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज होगा और ये दोनों से क्वेश्चन टोटल रहेंगे 20 20 नंबर के रहेंगे। तो इसमें देखें कि स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, वॉइस नरेशन, सेंटेंस को अरेंजमेंट करना, क्लोज पैसेज रहेगा, कंप्रिहेंशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम फ्रेजेस, ये सारे टॉपिक रहेंगे। और दोस्तों ये लगभग SSC के एग्जाम की तरह ही है तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखें यहाँ पे तो हिंदी के बारे में जानते हैं। तो हिंदी में क्या क्या पूछे जाने वाले हैं, तो हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, साथ में हिंदी व्याकरण से जो भी चीज़ें आते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में थोड़ा और पढ़ लीजिए प्रसिद्ध कवि लेखक वगैरह, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं यानी रीजनिंग की। तो रीजनिंग भी कुछ इस प्रकार का है यानी SSC से मिलता जुलता है। तो इसमें देखें जो क्वेश्चन होगा वो वर्बल भी होगा और नॉन वर्बल टाइप का होगा। इसमें सिमेंटिक एनालॉजी, सिम्बोलिक ऑपरेशंस, नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स वगैरह, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग है दोस्तों, सीरीज वगैरह रहेगा, नंबर सीरीज से जुड़ा हुआ, एम्बेडेड फिगर्स है ये सारे। तो मिसलेनियस इंटेलिजेंस टेस्ट मतलब ओवरऑल ये भी उसी तरह का है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये भी 20 नंबर का होने वाला है। तो न्यूमेरिक एप्टीट्यूड एंड मैट्रिक स्टैंडर्ड टाइप का होगा और ये भी 20 नंबर का है। इसमें नंबर सिस्टम्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन जितने भी आते हैं, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, स्क्वायर रूट्स, ये सारे चीज़ें इसमें पूछे जाएंगे। आप अल्जबरा से क्वेश्चन रहेगा, ज्योमेट्री से रहेगा, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री और स्टैटिक चार्ट्स, यानी इन सारे चीज़ों से पूछे जाएंगे। तो पार्ट फोर में जो कि 20 नंबर का होगा, क्लेरिकल एप्टीट्यूड, तो इसमें देखेंगे कि आपको पूछा जाएगा कि किस तरह से आप किसी भी डिटेल को कितना ध्यान से उसको अटेंशन करते हैं, या फिर डाटा चेक करते हैं, उसका कंपैरिजन किस तरह से करते हैं, स्पेल कैसे चेक करते हैं, एरर जो गलतियां हैं उसको कैसे आप दूर करते हैं, इन सब सारी चीज़ों पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। 20 नंबर के एग्जाम में 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद दोस्तों पार्ट फाइव की बात करते हैं जो कंप्यूटर से संबंधित है और आपको बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स नॉलेज होना चाहिए, हिस्ट्री फ्यूचर के बारे में, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम और बेसिक विंडोज़ के बारे में, कंप्यूटर से संबंधित जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं एब्रिविएशंस उसके बारे में आपको जाननी होगी, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो होता है, एक्सेल होता है, वो भी आपको जानना आवश्यक है। तो ये चीज़ें कंप्यूटर में पूछी जाएंगे आपको। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जैसे शॉर्ट कीज़ हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट एंड मिसलेनियस। तो ओवरऑल ये पूरा सिलेबस है दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में पहले फेज में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि कितना कॉल्ड होगा वैकेंसी। तो दोस्तों एक बात बता दूं कि स्टेनोग्राफर जो ASI का पोस्ट है, इसमें आपको वैकेंसी का 30 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और उसके बाद अगर हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में देखें तो उसमें 10 गुना जो है कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो ये अच्छी बात है, तो आप तैयारी करें अच्छे तरीके से। आप और भी जो भी जानना चाहते हैं तो आप इसके वेबसाइट पे जाके चेक करके पूरा का पूरा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।